तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स है, ठीक है। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बाई पार्ट लगाना पड़ता है। इसमें एक्स स्क्वायर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन चूंकि क्या होता है आपका, बाद में आता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। वैसे आपके पास तरीका होता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा, तो जो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है उसे हम लोग जनरली सेकेंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि हर वक्त ये आईलेट काम नहीं देता है, लेकिन बोर्ड के लिए मोस्टली ये काम देगा। तो लगा दीजिए आप फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब लॉग एक्स हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका वन बाई एक्स डिफ्रेंशिएशन, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स। ये सॉल्व कर लीजिए, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू बचेगा, थ्री बाहर आएगा, मतलब वन बाई थ्री बाहर कर लेते हैं, ये बाकी चीज़ हटा देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई थ्री, तो दैट कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब बाई थ्री, एंड यहाँ से क्या हो गया आपका एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स, ये थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, तो वन बाई नाइन एक्स क्यूब प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।